गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी टॉपिक पढ़ रहे हैं और अब इस टॉपिक में इस प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड टू यू बाय आयुष्मान इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व एंड सो इन कॉलमनर फॉर्म अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व अकाउंट फॉर द 2011। ये 2011 नहीं होना चाहिए, ये 2013 होना चाहिए। पहले तो यहाँ एरर है, ठीक कर लेते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2012 इट हैड रिजर्व, तो ये ओपनिंग रिजर्व दे रखी हैं तीनों बिजनेस की। आयुष्मान इंश्योरेंस कंपनी जो रिजर्व क्रिएट करते हैं वो दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग बिजनेस वॉज कंडक्टेड, ये हमारे प्रीमियम्स कलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ओके, ये प्रीमियम्स हमारे कलेक्ट हुए हैं, नीचे दे रखे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें जनरल एंट्रीज बनानी है, वो हमारी बन जाएंगी। बट जनरल एंट्रीज बनाने से पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाना होगा, तो हम पहले वो वर्किंग नोट्स बनाते हैं। ये वर्किंग नोट रहेगा हमारा कि भाई हमारे को 31 दिसंबर 2013 में रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड रिस्क रखनी कितनी है। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एज ऑन 31 दिसंबर 2013। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे तीन बिजनेस हैं, ठीक है, तीन बिजनेस कौन कौन से हैं, एक है मैरिन, एक है फायर और एक है मिसलेनियस। ठीक है जी, अब जरा देखें, इनके पहले तो हम प्रीमियम निकाल लें। इंश्योरेंस जो प्रीमियम कलेक्ट किया है वो दिया है ये, तो प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस वो कितना है, डायरेक्ट बिजनेस से जो प्रीमियम है वो देखें कितना है, 1843 एंड 12। सो 1843 12, ओके, ऐड करेंगे हम प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड, जो हम रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं उसमें हमें प्रीमियम मिलता है, तो 7, 5 एंड 4 ये हमें प्रीमियम मिला। लेस करेंगे प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस सीडेड, जैसे दूसरे लोग हमसे री इंश्योरेंस कराते हैं ऐसे हम भी अपना री इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो प्रीमियम हम लेस करेंगे 6.7, 4.3 एंड 5। तो ये हमारा आया नेट प्रीमियम। ठीक है, कितना यहां पर आएगा, 18.3, यहां पर आएगा 43.7 और यहां पर आएगा 11। ठीक है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड जो रिस्क बनाते हैं इसमें हम 100% बनाते हैं, क्वेश्चन में दिया है। मैरिन के लिए, फायर के लिए है हमारा 50-50%। ठीक है जी, दैट इज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31 दिसंबर 2013, यहां 18.3 रहेगा, 21.85 एंड 5.50। ठीक है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क
ऑन 31 दिसंबर 2012 दे रखी है, देखिए कितनी है, 15 है मैरिन की, 20 है फायर की और 5 है मिसलेनियस की। 15, 20 एंड 5, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ हमसे गलती हुई है, ये 7 है देखिए, तो ये होगा 9, तो ये होगा 4.5, ठीक है जी। इसका मतलब है 3.33 क्रिएट करना है, 1.85, 1.85 प्रोविजन फॉर ये हमें क्रिएट करना है, और यहां पर 0.5 हमारा रिवर्स होगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से पूरी बात क्लियर है। ये वर्किंग नोट जितना अच्छा आपको समझ में आएगा उतना ही अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आपने देखा कि 3.3 हमने मैरिन का क्रिएट करना है, 1.85 फायर का क्रिएट करना है, इनकी जनरलिटी बनाने में कितनी देर लगती है, ठीक है। चलिए, सो अब आप लिखेंगे जनरल एंट्रीज, मेन काम इसका वर्किंग नोट का है। ठीक है जी, डेट डलेगी 31 दिसंबर 2013। पहले तो रेवेन्यू अकाउंट से डेबिट करेंगे टू रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क मैरिन की 3.30, ठीक है जी। फिर फायर रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 1.85, ठीक है। ओ माय गॉड, सॉरी, सारा अनटाइडी हो गया क्योंकि मैंने पेज नहीं बदला था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अभी ठीक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये वर्किंग नोट था हमारा। यहां पर हम बनाएंगे जनरल एंट्रीज, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, यहाँ होगा रुपीज इन करोड़, 31 दिसंबर 2013। पहले मैरीन के रेवेन्यू अकाउंट से डेबिट करेंगे हम और रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क
मेरिन को क्रेडिट करेंगे हम 3.30 से, ठीक है। फिर फायर रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क फायर 1.85। नाउ जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हमारी मिसलेनियस इंश्योरेंस की है, वहां से हम मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट में पॉइंट फाइव रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग एडिशनल प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्रिएटेड एडिशनल प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्रिएटेड बीइंग एक्सेस प्रोविजन फॉर रिवर्स, ठीक है। ओके, हम यहां पर एक बात याद रखें, हम लोगों ने डिफरेंस ही किया है। वी मे रिवर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर एन एक्सपायर्ड रिस्क एंड क्रिएट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है उन्हें रिवर्स कर दें, उनकी एंट्री हो जाएगी रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क टू रेवेन्यू अकाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस क्रिएट कर देंगे यानी कि रेवेन्यू अकाउंट टू रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। बट वो अननेसेसरी की एक्टिविटी होती है, हम रिकमेंड करते हैं कि आप डिफरेंस से ही पास कर लें, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने क्या बोला था आपसे बनाने के लिए, चलो वो भी देख लें। हमसे बोला है कॉलमनर फॉर्म में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क अकाउंट बना दीजिए। चलिए, तो अब हम एक अकाउंट बनाएंगे जी, ये मैरिन, ये फायर, ये मिसलेनियस, यहां पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है कितना 1525 रुपीज इन करोड़ है ये, ठीक है। आपको क्लोजिंग बैलेंस रखना है इसका 18.3 था, ठीक है। इसका रखना था 21.85 और इसका रखना था 4.50, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 3. ये हमने निकाला है मेरिन रेवेन्यू अकाउंट से और ये लिया हमने
फायर रेवेन्यू अकाउंट से, और इसका जो 0.5 एक्सेस है ये हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें, मिसलेनियस रेवेन्यू अकाउंट में। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेन चीज़ इसकी ये है, अगर ये आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।